सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यार आज हम पढ़ेंगे Mongoose हुक्स, देखेंगे वो क्या होते हैं, उन्हें कैसे यूज़ करते हैं और उनको यूज़ करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो आज लिख लेते हैं हमारा आज का एजेंडा क्या है। हम पहले Mongoose के हुक्स पढ़ेंगे, ठीक है, जानेंगे हुक्स क्या होते हैं, ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ हुक्स पढ़ेंगे। ठीक है, दो टाइप के हुक होते हैं बेसिकली। ऑलराइट, और इन हुक्स के साथ हम क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, इम्प्लीमेंट फंक्शनैलिटीज़। ठीक है, तो ऑलराइट, अपने कोड की तरफ मूव ऑन करते हैं। उससे पहले चलिए, हाँ, पहले हुक समझा देते हैं। सो बेसिकली होता क्या है कि अगर आप चाहते हो कि आपका जो डेटाबेस है उसके अंदर हमने कुछ क्या कहते हैं रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है, तो आप चाहते हो कि उसमें कुछ जो चीज़ आप सेव करने के लिए भेज रहे हो, जैसे मतलब आप कुछ यूज़र साइन अप करवा रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करवा रहे हैं, एक पोस्ट की रिक्वेस्ट आ रही है और यूज़र की डिटेल्स भेज रहे हैं, वो साइन अप हो रहा है, ठीक है, तो वो जो डिटेल्स है डेटाबेस में सेव होने से पहले, अगर सेव होने से पहले हम कुछ काम करवाना चाहते हैं या सेव होने के बाद कुछ काम करवाना चाहते हैं, तो हमें वो चीज़ व्हाट डू वी से वो चीज़ हासिल करने में हमें हुक्स हेल्प करता है। ठीक है, सो दिस व्हाट हुक्स आर। ऑलराइट, सो दो टाइप के हुक्स होते हैं यार, प्री हुक्स और पोस्ट हुक। ठीक है, तो अब देखेंगे कि इनको कैसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए यार कोड में आइए। ऑलराइट, तो थोड़ा ओवरव्यू सा देते हैं। ये देखिए, ये हमारा स्कीमा था, इसके अंदर हमने पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड डाला था। राइट, अब हम चाहते हैं कि जो यूज़र है, यूज़र क्या करे कि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड है ना, ये हमारे अगर दोनों सेम हो तभी हमारे डेटाबेस में यूज़र साइनअप होना चाहिए ना, मतलब तभी हमारा यूज़र बनना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ये चीज़ सब कुछ हमारे डेटाबेस में सेव करने से पहले, है ना, प्री सेविंग इट टू आवर डेटाबेस वी वुड वांट टू चेक इट इफ़ पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड आर द सेम स्ट्रिंग्स, अदरवाइज इट इज़ वील हैव टू गिव आउट एन एरर कि भैया ये आपने सेम पासवर्ड नहीं है दोनों। ठीक है, ऐसे होता है जब हम साइन इन करते हैं। राइट, तो हम वो फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, हुक्स का बेसिक सिंटैक्स देख लेते हैं। यूज़र स्कीमा, ठीक है, इससे हम क्या चाहते हैं, प्री मतलब सेव होने से पहले डेटाबेस में, इसका मतलब होता है, तो सेव होने से पहले, प्री मतलब पहले और सेव मतलब आपको पता ही है। ठीक है, तो ये कि कॉल बैक फंक्शन लेता है, इसमें कुछ नहीं, अभी हम आर्ग्यूमेंट्स डाल रहे हैं और अभी हम इसको कंसोल करवा लेते हैं। बेसिकली इसको हम कंसोल करवा लेते हैं कि बिफोर सेविंग इन डेटाबेस, ऐसे करके, जिससे हमें पता लग जाए कि सही प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिफोर सेविंग इन डेटाबेस। ऑलराइट, सो ठीक है, एक बार ये करवाते हैं और इसके बाद हमें एक चीज़ और देखते हैं, पोस्ट भी देख लेते हैं साथ के साथ। ठीक है, तो पोस्ट का भी ऐसे ही रहता है, इसको कॉपी किया यार हमने। ऑलराइट, यूज़र स्कीमा डॉट पोस्ट और सेव। अब कंसोल डॉट लॉग बिफोर सेविंग करवाने से पहले हम उसकी जगह क्या करेंगे, आफ्टर सेविंग इन डेटाबेस। हम ये क्या कहते हैं कंसोल इसलिए करवा रहे हैं, इससे हमें मालूम पड़ जाए कि ये चलता कैसे है। ठीक है, ऑलराइट, तो चलिए वो चला के देखते हैं इसको Node1 ऐप के थ्रू। कूल, सो अपने बार पोस्टमैन पे आते हैं यार, पोस्टमैन पे आते हैं और अपने ऑथ साइन अप पे बॉडी के अंदर एक रिक्वेस्ट देते हैं। ठीक है, तो हम एक नई ईमेल आईडी बना लेते हैं ncb@gmail.com। ठीक है, ये हमने रिक्वेस्ट सेंड करी। ऑलराइट, तो देखिए पहले क्या आया, बिफोर सेविंग इन डेटाबेस, आफ्टर सेविंग इन डेटाबेस। अच्छा, ये हमारा बैकएंड का नहीं, हमने ऊपर प्रिंट करवाया था, तो मैं भी यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, ये इसको कमेंट आउट कर देते हैं। ऑलराइट, सो हमारे पास अभी ये दो लाइनें ही आएंगी। इसका NCB ये कर दो इसको, मतलब ऑब्वियसली, वरना फिर ईमेल आईडी सेम हो जाएगी तो फिर वहाँ पर वैलिडेशन में फंसेगा। ठीक है, तो ऑलराइट, सो बिफोर सेविंग इन डेटाबेस एंड आफ्टर सेविंग इन डेटाबेस। और पोस्ट की यार एक और ख़ास बात है कि जो भी आप चीज़ आफ्टर सेव, जैसे पोस्ट है मतलब डेटाबेस में सेव होने के बाद ये जो फंक्शन है ना, ये फायर होगा। ऑलराइट, सो आपको क्या मिलता है, आपको ना एक डॉक मिलता है, मतलब जो चीज़ डेटाबेस में सेव हुई है ना, तो आप इसको क्या करवा सकते हो, इसको आप वो करवा सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि डेटाबेस में क्या आया है। और चलो उसके बाद फिर एक और चीज़ दिखाऊंगा आपको। आइए, सो इधर कुछ अलग ईमेल आई डाली, सेंड करी। ठीक है, अब जो आउटपुट है ना, उसको ध्यान से देखना है। एक बार बड़ा कर देते हैं, बिफोर सेविंग इन डेटाबेस, आफ्टर सेविंग इन डेटाबेस। ठीक है, आफ्टर सेविंग इन डेटाबेस में देखो हमारे पास वी आया है। ठीक है, और ये बाकी सब जो होता है ये हमारे पास ऑलरेडी पहले Mongoose बना के ही भेजता है। ठीक है, एक बार देखते हैं कैसे। जो हमारा यूजर स्कीम है ना, जब प्री मतलब बिफोर सेविंग इन डेटाबेस, तो फिर हमारे पास जो पूरा बन के आता है ऑब्जेक्ट वो का हम उसको दिस से एक्सेस कर सकते हैं। ऑलराइट, सो हम यहाँ पर क्या अपना दिस प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। और ये हमने नॉर्मल फंक्शंस इसलिए यूज़ करें, एरो फंक्शंस इसलिए नहीं यूज़ करें क्योंकि हम चाहते हैं हमारे पास दिस की अब वो रहे, एक्सेस रहे, ठीक है। तो यूज़र स्कीमा के थ्रू हमने जो भी मतलब पोस्ट के रिक्वेस्ट के थ्रू हमारे पास आया डेटा, वो हमें दिस के थ्रू क्या होता है, एक्सेसिबल होता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया होगा, तभी हमारे पास स्कीमा के अंदर जब हम दिस यूज़ करते हैं, चलो अभी करेंगे, दिस यूज़ किया नहीं है तो वील यूज़ इट। ऑलराइट, सो अभी आपको दोनों चीज़ें प्रिंट करवा के दिखाता हूँ तो कुछ आपको अच्छी चीज़ पता लगेगी। ऑलराइट, सो कूल, तो ठीक है। ये देखो यार, बिफोर सेविंग इन डेटाबेस किया ना, तो देखो क्या बन क्या है, सिर्फ आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। आफ्टर सेविंग इन डेटाबेस में हमारा वी एक्स्ट्रा है, मतलब वर्जन वाला। तो इस समय क्या मालूम पड़ रहा है, एक तो नई चीज़ डिस्कवर हुई हमारे साथ क्या, कि जो आईडी है ना ये हमारा Mongoose बना के दे रहा है, यानी ये आईडी हमें हमारा Mongoose बना के दे रहा है। और जो MongoDB में ना सिर्फ वर्जन स्टोर, वर्जन ये जो वी है मतलब वर्जन होता है, ये हमारा MongoDB स्टोर कर रहा होता, मतलब MongoDB बनाकर उसमें डालता है, ठीक है। वैसे ये आईडी है ना, दोनों को भी बना सकता है, Mongoose भी MongoDB भी, क्योंकि हमने यहाँ पर Mongoose के एब्स्ट्रैक्शन लेयर यूज़ कर रखे हैं, तो यहाँ से Mongoose ही बना के भेजता है। और ये जो ऑब्जेक्ट आईडी होती है ना, इसका भी मतलब होता है, ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप लोग जाके इसको सर्च आउट करोगे गूगल पे, आप जैसे ही लिखोगे ना तो फर्स्ट रिजल्ट आ जाएगा। ये आप टेक होम एक्सरसाइज ले लीजिए, ठीक है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई। अच्छा, एक और चीज़ और बतानी थी आपको कि इट इज़ काइंड ऑफ अ मिडल वेयर। ऑलराइट, सो पहले ये चलेगा फिर ये चलेगा, ऐसा है, लेकिन एक चीज़ और है, ये देखिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि पहले ये वाला फंक्शन चलेगा फिर ये वाला फंक्शन चलेगा। जब भी पोस्ट का हुक लगा होगा ना, पोस्ट का हुक तभी फायर होंगे वो सारे हुक्स, जब कोई भी प्री के हुक्स होंगे वो सारे रन हो चुके होंगे, ठीक है। तो देखना पहले क्या आएगा, बिफोर सेविंग डेटाबेस आना चाहिए मेरे बात के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर टॉप टू बॉटम के आपसे देखें तो आफ्टर सेविंग डेटाबेस पहले आना चाहिए, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं यार, सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। तो ईमेल आईडी थोड़ी चेंज कर लेते हैं अपनी यूनिक बनाने के लिए। ऑलराइट, तो देखो यार क्या प्रिंट हुआ, पहले बिफोर सेविंग इन डेटाबेस, ठीक है। तो पहले प्री हुक सारे चलते हैं और फिर उसके बाद पोस्ट का हुक चलता है आफ्टर सेविंग इन डेटाबेस। ऑलराइट, इतनी बात हो गई। ये थे हमारे प्री और पोस्ट हुक्स के, प्री और पोस्ट हुक्स। और इसकी एक फंक्शनैलिटी है सेव, आप एक और चीज़ को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, वो है रिमूव, ठीक है। तो आप वो जाके पढ़िए, प्री पोस्ट हुक्स, ठीक है। तो ऐसे, और ये भी लिख लेते हैं, आफ्टर सेव इवेंट अकर्स इन डीबी एंड वी बिफोर सेव इवेंट अकर्स इन डीबी, कमांड एक्स, इसको हटाइए। और आपका जो रिमूव है ना, आप रिमूव को खुद एक्सप्लोर करिए, ठीक है। रिमूव एक्सप्लोर ऑन ओन, कूल। तो चलिए यार, अब इतनी बात हो गई, हमने सीख लिया प्री और पोस्ट हुक्स। तो अब इनको भी कमेंट कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें अपना पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड है ना, उन दोनों के ऊपर नज़र रखनी है, कि मतलब नज़र इन द सेंस कि उन दोनों पे चेक रखना है कि यार दिस, ये जो पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड ये सेव है कि नहीं है, ठीक है। और एक ईमेल का भी देख लेते हैं। तो आपको ना एक वैलिडेट फंक्शन, वैलिडेट प्रॉपर्टी होती है हमारे Mongoose के स्कीमा के अंदर, वो भी बताए थे। वो क्या करती है, वो कोई भी जो हमारी प्रॉपर्टी आ रही होती है ना, उनको ना वैलिडेट कर लेती है, ठीक है। तो वो भी बता दूंगा। ऑलराइट, तो एक बार पहले ईमेल वाला कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ कि ठीक है। तो ईमेल वाला करने के लिए ना, तो ये ऐसे प्रॉपर्टी होती है। तो अब आपको यहाँ पर ना फंक्शन लिखना होता है। तो कोई भी, अब हमें ईमेल को वैलिडेट करने, तो हमें या तो दो तरीके हैं, या तो कोई एनपीएम की लाइब्रेरी ढूंढ लेते हैं या रेगेक्स लगा लेते हैं, यानी रेगुलर एक्सप्रेशंस। तो रेगुलर एक्सप्रेशंस हमारे अभी लेक्चर के स्कोप में नहीं है, तो वो नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा कोई लाइब्रेरी है ना उसको यूज़ कर लेंगे। ऑलराइट, सो एक वो लाइब्रेरी आती है जिसका नाम होता है वैलिडेटर। ऑलराइट, तो चलिए यार उसके बाद चला लेते हैं। कूल, तो हम क्या, हाँ, npm वैलिडेटर, ठीक है। वैलिडेटर ईमेल वाले ले लेते हैं। ये ईमेल वैलिडेटर पे यार हम लोग क्लिक करेंगे। ऑलराइट, सो देख लेते हैं क्या कर रहे हैं। देखो अ सिंपल मॉड्यूल टू वैलिडेट एन ईमेल एड्रेस, ठीक है हमें भी ये चाहिए। तो इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इसको कॉपी कर लो यार। फिर में आते हैं, क्या हो गया 141 पे, हाँ ठीक है अभी कर रहे हैं सही। चलो तो अपने पे तो सर्वर बंद करते हैं और क्या करते हैं इंस्टॉल कर रहे हैं हम npm ईमेल वैलिडेटर। और क्या करेंगे इतने, इसको यहाँ पर रिक्वायर भी कर लेंगे। तो कॉन्स्ट रिक्वायर और npm ईमेल लिख लेते हैं ईमेल, ठीक है ईमेल वैलिडेटर लिख लें या फिर ईमेल वैलिडेटर लिख लेते हैं, ईमेल वैलिडेटर याद रहेगा अपने को। इसको तो रिक्वायर ईमेल वैलिडेटर, ठीक है यार। तो इतना हो गया हमारा काम। अब क्या करना है, हमने रिक्वायर कर लिया है और हमारा हाँ ठीक है इंस्टॉल भी हो चुका है। सो कूल ऑल राइट सर। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको वैलिडेट यूज़ करना है फंक्शन ये, ठीक है। तो अब क्योंकि हमने वैलिडेटर एक लाइब्रेरी है थर्ड पार्टी, हमने वो इंस्टॉल कर लिया है। वो यार क्या है इंश्योर करेगी, वो हम उसको हम एक फंक्शन लेंगे और उसके अंदर बस उसको बोल देंगे कि भैया आप खुद ये क्या कहते हैं देख लो कि ये ईमेल आईडी है, इसको वैलिडेट कर दो और देख लो ये सही है कि नहीं है। अब हमें उसके अंदर का जो लॉजिक है ना वो नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चलिए फंक्शन लिखते हैं, ये वैलिडेट की के आगे जो होता है ना ये फंक्शन आएगा, ठीक है। और हम इसको क्या बोल देंगे, रिटर्न ईमेल वैलिडेटर। ईमेल वैलिडेटर के अंदर प्रॉपर्टी होती है, देखो आ गई ना वैलिडेट, ठीक है वैलिडेट एंड ईमेल एड्रेस। और हम कौन सी ईमेल एड्रेस बोलेंगे उसको, दिस डॉट ईमेल। दिस में आपने देखा था अभी, मैंने आपको बताया कि हमारे पास पूरा स्कीमा बन के आता है, ठीक है। तो स्कीमा के अंदर से क्या ईमेल निकालना है हमें, तो इसका इतना सा काम है, ये बता देगा ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर देगा उस हिसाब से, ठीक है। अब एक चीज़ और करनी है हम लोगों को, एक चीज़ और कर लेते हैं हम यहाँ पर वैलिडेट, इसका भी वैलिडेट ये भी कर लेते हैं कि हमारे जो पासवर्ड्स हैं वो दोनों सेम है कि नहीं। तो रिटर्न दिस डॉट कन्फर्म पासवर्ड इक्वल इक्वल टू दिस डॉट पासवर्ड, ठीक है इतना कर लेते हैं। अब इतना हो गया तो यार अब एक चीज़ और रह गई है आप लोगों की, एक चीज़ और रह गई है। वो क्या रह गया है, आपको क्या करना है कि चलो पहले इतना देख लेते हैं वरना फिर वही है। एक मिनट रुकिए, एक बार सर्च रहा था नोडमॉन ऐप, ठीक है मैंने सर्वर चलाया। अब ईमेल आईडी है ना ये वैलिडेट करता है, अगर मैं ईमेल आईडी की जगह कुछ और भेज दूँ ना यहाँ पर तो अब देखना है पकड़ लेगा मुझे कि यार आपका ना एरर है क्योंकि दिस इज़ नॉट एन ईमेल आईडी। ऑलराइट देखो यहाँ पर फट गया होगा, ठीक है ये देखते क्या बोल रहा है। यूज़र वैलिडेशन फेल्ड, ईमेल वैलिडेटर फेल्ड फॉर पाथ ईमेल विद वैल्यू दिस, ठीक है। तो हमारी ईमेल आईडी तो करेक्ट नहीं होगी ना तो फिर ये चलेगा नहीं। पहले आप चला के देख लेना, पहले देखना ये चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, सिर्फ टाइप स्ट्रिंग लिखी है हमने ईमेल में, ठीक है। और रिक्वायर ट्रू यूनिक ट्रू, तो हम कोई भी यूनिक चीज़ पास करते रहेंगे ये लेता रहेगा। इसको हमने अब बताया जाके कि ईमेल के अंदर कि भाई इसको ईमेल की तरह चेक करो, ठीक है। तो हमने इसके अंदर ये काम किया। तो आइए एक बार अपना सर्वर चलाते हैं वापस से और अब ईमेल सही भेजते हैं अपना कमांड, ठीक है। और इधर 1 2 3 लिख लेते हैं जस्ट टू मेंटेन आर यूनिकनेस। सो नाउ वील सी कि इफ इट कैचेज एनी एरर इफ आई डू नॉट इनपुट पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड एज सेम स्ट्रिंग्स। ऑलराइट सो पासवर्ड इज 1 2 3 4 5 6 7 8, लेट मी जस्ट मेक इट अपेंड 9 एट द एंड एंड ओवर हियर आई वोंट अपेंड एनीथिंग, ठीक है। सो लेट अस जस्ट सेंड इट, सेंड द रिक्वेस्ट। सो देखना फिर एरर आ गया एकदम से, यूज़र मॉडल वैलिडेशन फेल्ड कन्फर्म पासवर्ड विद वैल्यू दिस, ठीक है 1 2 3 4 6 7 8। और एक तो यार ये अपने को ऐसे एरर दिखाएगा, तो ठीक है। अब दोनों चीज़ें देख लिया, अब हम क्या करते हैं, cool. अब हमें क्या करना है, अब हम चाहते हैं कि एक बार चला के देख लेते हैं, चाहेंगे तो क्या बाद में देखते हैं क्या, अभी चला के देखते हैं क्या। ओके सर्वर चालू करना भूल गया, ठीक है। और आइए हो गया होगा, हाँ ठीक है यूज़र साइंड अप, कोई दिक्कत नहीं आई। अब यार मैं ना एक चीज़ देख रहा हूँ कि हम ना कंफर्म पासवर्ड है ना वो भी सेव करवा रहे हैं। हम ना चाहते नहीं है कंफर्म पासवर्ड सेव करवाना, पता है क्यों, क्योंकि कंफर्म पासवर्ड सेव नहीं होता है और रिडंडेंट चीज़ है ना पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, क्योंकि हमने चेक तो लगा ही लिया है। तो यानी हमें मालूम है कि दोनों जब सेम होंगे तभी हमारा यूज़र साइनअप कर पाएगा, राइट। तो हमें कंफर्म पासवर्ड रखना ही क्यों है? कंफर्म पासवर्ड इज अ रिडंडेंट डेटा एंड वी डू नॉट नीड टू कीप रिडंडेंट डेटा, इट ऑल्सो ऑक्यूपाइज मेमोरी, सो इट इज़ ऑफ नो यूज़ बेसिकली, ऑब्वियसली आप भी खुद ही सोचिए। तो हम क्या चाहते हैं यार, कंफर्म पासवर्ड ना हटाना चाहते हैं। तो याद है कि हमने क्या पढ़ा था, हमने हुक्स पढ़े थे, ठीक है। तो इसके लिए हम हुक्स लिख लेते हैं, हम लिखेंगे यूज़र स्कीमा, यूज़र स्कीमा डॉट प्री, सेव होने से पहले क्या करो, और दिस डॉट कन्फर्म पासवर्ड है ना, उसको अनडिफाइन कर दो, ठीक है। अनडिफाइन करने से क्या होगा कि जब उसके अंदर जब वो अनडिफाइन हो जाएगा ना, तो बेसिकली क्या होगा, वो ना डेटाबेस में सेव नहीं होगा, ठीक है। तो आपको लगेगा कि क्या आप बोल रहे हो, आप अगर किसी के मतलब आप देखना जावास्क्रिप्ट के अंदर ये चीज़ है, मोंगूस की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेना, मतलब बहुत बेसिक चीज़ है ये, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, क्या पता मैं गलत हूँ, है ना। तो यहाँ पर ईमेल आईडी को अब ढंग की लिख लेते हैं, हमें ढूंढनी पड़ेगी। तो हम लिख लेते हैं ईमेल आईडी, कोई नाम भी चेंज कर लेते हैं, टिमोन चोपड़ा, ठीक है। टी चोपड़ा लिख लेते हैं, टी चोपड़ा 123@gmail.com, ठीक है। इसको साइनअप कराते हैं भाई को, ये साइनअप हो चुके हैं, ठीक है। तो ठीक है, चलिए एक बार अपने कहाँ MongoDB पे नज़र मार के आते हैं कि सब कुछ हमने जैसे सोचा वैसा है कि नहीं है, ठीक है। तो MongoDB, हाँ खुल जा भाई, खुल जा, ठीक है। ब्राउज कलेक्शन में चलते हैं एक बारी, अब तो बहुत सारा हो गया होगा, टोटल डॉक्यूमेंट्स 5, ठीक है। तो सबसे आखिरी में कौन सा, अच्छा नहीं ये वाला नहीं है, रुको यार 2 मिनट, फूडा वाइटी, हाँ तो ये वाला प्रोजेक्ट नहीं था, हमने जब बनाया था फूडा पाइटी था, ऑल राइट। सो फूडा पाइटी मतलब आप वाला यूट्यूब वाला, तो वहाँ चलते हैं भाई। तो टोटल डॉक्यूमेंट्स है 15 हमारे, हमने लास्ट में देखो क्या डाला था, टिमोन चोपड़ा डाला था, ठीक है। तो देखो पासवर्ड के साथ कंफर्म पासवर्ड हमारा नहीं आया है और बाकी सब में आ रहा है, राइट। सो नाउ वी विल डिलीट ऑल ऑफ दिस, वी डिलीट ऑल दिस एंट्रीज, तो कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा प्री हुक्स, ठीक है। तो यार और क्या पड़े, ठीक है यार, आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, ठीक है, और कमेंट करके बताना कि अगर डाउट हो तो कम्युनिटी में, नीचे पूरी कम्युनिटी आप वहाँ पर अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है, बच्चे आपको रिप्लाई करेंगे। सो ऑलराइट, आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।